Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the data dependency or data hazard in the pipelining. Pipelining में data hazard या data आपका dependency क्या होता है, किस तरीके से इस problem को हम दूर करते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो हम डिटेल में जानेंगे. तो फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा डिपेंडेंसी. जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि डेटा डिपेंडेंसी का मतलब है अगर कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा है जिसको एक ऐसा डेटा का रिक्वायरमेंट है जो डेटा उसको पिछले वाले इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन के रिजल्ट से मिले, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं डेटा डिपेंडेंसी. टेक्निकली डेफिनेशन देख लेते हैं. डेटा डिपेंडेंसी अकर्स व्हेन एन इंस्ट्रक्शन depends on the result of the previous instruction whose result is still not available. अगर कोई इंस्ट्रक्शन किसी पुराने इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है जो कि रिजल्ट देगा, जब वो रिजल्ट देगा तब इस इंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट होगा. जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, वी हैव टेकन एन एग्जांपल दैट इंस्ट्रक्शन आई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड. And there is another instruction, that is instruction I plus 1, which gives the equation x1 equal to x plus 1. Now, this x we require in this instruction, but this x we will get from the previous instruction. We will see this in practical point of view. If this is the instruction I, this is instruction I plus 1, and these are the clock cycle 1 2 3 4 5 6. Now instruction I has 4 parts: fetch instruction in the first cycle, decode instruction, and calculate effective address of operands in the second cycle. First cycle में fetch करेगा instruction को, second cycle में decode करेगा instruction को और इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेगा ऑपरेंट्स के. ठीक है, थर्ड साइकिल में ये क्या करेगा, फैच करेगा ऑपरेंट्स को जिनके ऊपर ऑपरेशन करना है. एंड द फोर्थ साइकिल इट विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी. ठीक है, यानी फोर्थ साइकिल के बाद ही आपका ऑपरेशन जो इसका रिजल्ट है वो अगला इंस्ट्रक्शन यूज कर पाएगा. बट इफ वी एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन आई प्लस वन, दिस वन, in the second clock cycle it will start working, fetch instruction. In the third cycle it will decode that instruction and calculate the effective address of operands. Operand का effective address पता कर लेगा. Clock cycle 4 में instruction i plus 1 को किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, x की वैल्यू की. क्यों? It is going to fetch the operand. But same time पर in the fourth cycle also x की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो रही होगी, x का रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा होगा, और कैलकुलेट होने के बाद जब वो मेमोरी में राइट हो जाएगा, आफ्टर दैट वी कैन मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू. तो फैच ऑपरेंड यहां पर अगर इसको चाहिए और इसकी जो इसको चाहिए वो अभी मेमोरी में राइट ही नहीं हुआ है, तो ये फैच नहीं कर पाएगा मेमोरी से. और जब ये फैच नहीं कर पाएगा, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डेटा हजार्ड, बिकॉज द डेटा रिक्वायर्ड बाय दिस इंस्ट्रक्शन आई प्लस वन विल डिपेंड अपॉन द इंस्ट्रक्शन आई, एंड इंस्ट्रक्शन आई हैज नॉट येट रिटन द रिजल्ट इनटू द मेमोरी. ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सॉल्यूशन दैट आर पॉसिबल इन द केस ऑफ data dependency. What are the different solutions possible? So there are two types of solution that are used in the data dependency or data hazard. One is called hardware method, second one is called software method. And in the hardware method there are also two methods. One is called hardware interlock method and the second one is called operand forwarding method. So now we are going to discuss the first hardware method, that is called the hardware interlock method. तो hardware interlock method क्या है, इसको हम देख लेते हैं. So hardware interlock is a hardware circuit that detects instructions whose source operands are destination of instructions further up in the system. हार्डवेयर इंटरलॉक एक ऐसा मेथड है जो कि ये डिटेक्ट करता है कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसके सोर्स ऑपरेंड को किसी दूसरे इंस्ट्रक्शन के डेस्टिनेशन ऑपरेंड पे डिपेंडेंसी है। हार्डवेयर इंटरलॉक में हम क्या यूज कर रहे हैं? वी आर मेकिंग यूज ऑफ ए हार्डवेयर सर्किट दैट विल डिटेक्ट कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसका सोर्स ऑपरेंड डिपेंड कर रहा है दूसरे इंस्ट्रक्शन के डेस्टिनेशन ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के डिटेक्शन होने पर आपको क्या करना पड़ेगा? डिटेक्शन ऑफ सच सिचुएशन कॉजेज द इंस्ट्रक्शन हुज सोर्स इज नॉट अवेलेबल टू बी डिलेड बाई एनफ क्लॉक साइकिल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अब सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि जो आपको लगता है कि भाई इस साइकिल में इसका काम नहीं हो पा रहा है, अगर मान लीजिए फैच ऑपरेंड इसको करना है और अभी तक इसने एग्जीक्यूट करके रिजल्ट को मेमोरी में राइट नहीं किया है, तो व्हाट यू विल डू, वी विल नॉट एग्जीक्यूट द फैच ऑपरेंड इन दिस साइकिल एंड क्रिएट्स ए डिले। और डिले करने के बाद व्हाट यू विल डू, वी विल एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल। सो व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, the result of this instruction I is available to us and we will make use of this result. So we have to delay the result by one clock cycle and this delay is called the stall. Stall means delaying the execution of an instruction by one clock cycle or more than one clock cycle depending upon the requirement. And after fetching operand it will perform the एग्जीक्यूशन। तो हार्डवेयर इंटरलॉक मेथड में हम क्या कर रहे हैं? एक हार्डवेयर सर्किट की हेल्प से पहले डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो डिपेंडेंट हैं दूसरे इंस्ट्रक्शन के ऊपर, और जब तक उन इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो जाता है उतनी ही साइकिल तक आप क्या कर देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को डिले कर देते हैं, जिससे कि डाटा डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। नाउ कम टू द सेकेंड solution of this problem, that is called operand forwarding. Operand forwarding is also a hardware method. ये क्या है? They make use of the special hardware to detect a conflict and then avoid it by routing the data through a special path between pipeline segments. What we will do in case of operand forwarding? We will make use of a hardware circuit first to detect the data dependency situation, and if there is a dependency of data and we have to wait till the result is written into the memory, then what is the alternate solution? Operand forwarding. What happens in case of operand forwarding? That rather than waiting the result is written into the memory, we will bypass the result through the register and provide it to the next instruction. Rather than कि हम wait करें कि instruction जो result produce कर रहा है ये वाला वो memory में write हो और उसके बाद दूसरा instruction use कर पाए, उससे पहले हम क्या कर देते हैं कि जब ये result टेम्प्रेरी किसी रजिस्टर में राइट करा लेंगे और उस रिजल्ट को आगे भेज देंगे किसके पास, जो अगला इंस्ट्रक्शन है जिसको रिक्वायरमेंट है, और बाद में ये अपना राइट करता रहेगा मेमोरी में। यानी कि रेदर देन कि हम वेट करेंगे पहले वो मेमोरी में राइट करेगा, हमने क्या किया, ऑपरेंड के रिजल्ट को लिया और रिजल्ट को लेने के बाद उसको रजिस्टर्स के थ्रू वैल्यू किसको फॉरवर्ड कर दी हमने, दूसरे इंस्ट्रक्शन को। तो पहला वाला इंस्ट्रक्शन तो मेमोरी में राइट कर रहा होगा, जबकि दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा होगा, उसी समय उसी रिजल्ट को अपने लिए यूज भी कर रहा होगा। तो इसका रिजल्ट मेमोरी में भी राइट हो रहा होगा उस समय, और सेम टाइम पर इस रिजल्ट को अगला इंस्ट्रक्शन भी यूज कर रहा होगा। तो पूरी साइकिल वेट करने के बजाय हम सिर्फ कितना वेट करेंगे, जितनी देर आपका रिजल्ट कैलकुलेट होगा उसके बाद रेदर देन वेटिंग के हम मेमोरी में उसकी जाने का वेट करें, हम उसे इंटरमीडिएट रजिस्टर्स के थ्रू उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को अगले इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करा देते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। ठीक है, वी आर राउटिंग द डेटा थ्रू स्पेशल पाथ बिटवीन द पाइपलाइन सेगमेंट। जिस सेगमेंट को रिक्वायर है उसको हम स्पेशल रजिस्टर्स के थ्रू उस ऑपरेंड को फॉरवर्ड करके प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि उसका टाइम कुछ ना कुछ टाइम आपका सेव हो जाए। दैट इज कॉल्ड द ऑपरेंड फॉरवर्डिंग, कि इंटरमीडिएट रिजल्ट को बिना मेमोरी में राइट किए दूसरे इंस्ट्रक्शन को जिसको जरूरत है उसको प्रोवाइड कर देना। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर मेथड। व्हाट विल डू इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर मेथड, we will make a provision in the compiler that will detect such type of situation of data dependency. जो क्या करेगा, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर, देन इट विल चेक द कंडीशन ऑफ डेटा डिपेंडेंसी एंड इफ सच टाइप ऑफ सिचुएशन अराइजेज, अगर उसे लगता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी किसी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में, तो हम क्या करेंगे, उन दो इंस्ट्रक्शन के बीच में एक नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन को इंसर्ट कर देंगे। इफ द कंपाइलर डिटेक्ट्स दैट टू कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, वन इंस्ट्रक्शन विल डिपेंड अपॉन द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, तो हम क्या करेंगे, वी विल इंसर्ट ए नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बिटवीन देम so that the instruction I has sufficient time to complete its execution and then instruction I plus 1 is executed. So this method is creating delay by using the software method by inserting a no operation instruction that will perform no operation. So in this method the compiler is designed to detect a data conflict and reorder instruction as necessary to delay the loading of the conflicting data by inserting no operation instruction. We will insert a no operation between such type of conflicting instruction in which one instruction depend upon the data of the previous instruction, and this method is called the delay load. Delay load means we are loading the instruction that is depend upon another instruction by some time by using software method by inserting no operation instruction. So this is the data dependency problem, and these are the software and hardware method to resolve this problem. I hope you understand all these problems and their corresponding solution. Still, if you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.